बहुत लोग पूछ रहे थे कि BMS के बाद सैलरी कितना मिलता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सिंपल BMS किया है, अगर आपने किसी सरकारी जॉब लिया है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। अभी मैं अंडर NSM नेशनल हेल्थ मिशन असम गवर्नमेंट के अंडर में हूँ, तो वहाँ पे आफ्टर BMS अगर आप एज ए MO ज्वाइन कर रहे मेडिकल ऑफिसर, तो ये बेस सैलरी 50 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट रहता है NSM के 8%, उस हिसाब से बढ़ता है हर ईयर। बाकी आप CSO का भी जॉब निकलता है आफ्टर BMS असम गवर्नमेंट में, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उनका अगर एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे, तो आपका सैलरी थोड़ा सा अलग होता है, 25,000 रहता है बेस, और प्लस 15,000 रहता है जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव रहता है, परफॉर्मेंस के हिसाब की हिसाब से आपका वो 15,000 मिलता है। और बाकी अगर आपने परमानेंट नौकरी मिल गया आपको गवर्नमेंट के अंदर, तो उसका भी अलग रहता है, जो मेडिकल ऑफिसर की जॉब रहता है परमानेंट वाला, उसका स्ट्रक्चर 30,000 बेस रहता है अप टू 1,00,000, 20,000 और 10,000, आई फॉरगॉट, मैंने भूल गया है कितना था। और उसके बाद वो ग्रेड पे रहता है और बाकी जो सुविधाएँ रहता है सरकारी। लेकिन अगर NSM में ज्वाइन कर रहे हो आफ्टर BMS, तो आप 30,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर राज्य हर स्टेट के लिए वो सेम ही रहता है।